तीन दोषी पटवारियों में से सिर्फ दो पटवारियों को कार्यवाही के नाम पर किया सस्पेंड। आखिर कब होगी दोषियों पर कानूनी कार्यवाही? खबर कराहल से है, जहां बहुचर्चित बाढ़ राहत राशि घोटाले में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आई शासन की राहत राशि का बंदरबांट कई पटवारियों द्वारा कर लिया गया था। मामले की जाँच के उपरांत कई पटवारियों ने कार्यवाही की डर से राशि को शासन के खाते में वापस जमा करवा दिया था, मगर इन सब के बाद बड़ौदा तहसील के 6 पटवारियों पर प्रशासन द्वारा अपराध क्रमांक 420, 467, 468 के तहत FIR दर्ज करवा दी गई थी। इस घोटाले में दोषी पाए गए कराहल के पटवारियों पर भी विभागीय और कानूनी कार्यवाही के लिए कराहल प्रशासन को कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित किया गया था। आदेश के पालन में सिर्फ दो पटवारियों को सस्पेंड कर दिया था और एक दोषी पटवारी को सस्पेंड करने की जगह कराहल मुख्यालय के साथ एक अतिरिक्त प्रभार भी दे रखा है। इसके बावजूद आज दिनांक तक एक माह बीत जाने के बाद भी कानूनी कार्यवाही उक्त पटवारियों पर नहीं की गई, जिससे कराहल प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जब बड़ौदा तहसील के दोषी 6 पटवारियों पर FIR दर्ज करवा दी जाती है तो कराहल तहसील के दोषी पटवारियों पर प्रशासन क्यों कृपा बरसा रहा है। जब इस मामले में कराहल SDM उदयवीर सिंह ने शिकरवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाढ़ राहत राशि घोटाले में लिप्त कराहल के दोषी पटवारी राशि जमा कर देने मात्र से बचेंगे नहीं, इन पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। तीन में से दो पटवारी तो सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। अब देखते हैं प्रशासन क्या एक्शन लेता है। सर, अभी 4-5 दिन से सर कराहल तहसील बड़ी सुर्खियों में बनी हुई है। सर, नई नई चीज़ें देखने को आई हैं कि एक पटवारी ने सर इतनी भूमि को प्राइवेट लोगों के नाम उतार दिया। सर, कलेक्टर साहब की जाँच के बाद सर ये चीज़ें सामने आई। दूसरा मामला सर, बाढ़ राहत राशि के लिए जो मुख्यमंत्री जी द्वारा राहत दी गई थी लोगों की बाढ़ से जो परेशानी हुई है, उसमें भी सर पटवारियों द्वारा लंबा घोटाला किया गया, उसकी भी जांच सर कंप्लीट हो गई, वो भी प्रकाश में आया है। ऐसे पटवारियों या ऐसे कर्मचारियों के लिए सर आप क्या अपनी राय रखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर विगत कुछ समय में प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें कुछ अनियमितताएँ निकल कर सामने आई। जैसा आप बता रहे हैं कि बाढ़ में कुछ करोड़ों की राशि का घोटाला भी सामने आया है, जिसे जिला कार्यालय के द्वारा जांच भी किया गया और हमारे यहाँ भी 3 पटवारियों का उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उन्होंने सूचित किया है। हमने उसमें से 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है। 1 पटवारी हैं जिन्होंने अपने पैसों को पूरा जमा कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ सर विभागीय कार्रवाई रहेगी या सर कुछ क्रिमिनल एक्शंस भी लिए जाएंगे? सर नहीं, बिल्कुल कठोर से कठोरतम कार्रवाइयाँ जो हो सकती हैं वो बिल्कुल होंगी। अभी प्रक्रिया में लंबित है, निश्चित ही इसमें एक कठोर परिणाम सामने आएगा। हो सकेगा ये बाढ़ का था और इसमें विस्तृत जाँच की गई है और इसमें निश्चित हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।